हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम कक्षा 5 की सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट करेंगे हल। तो आज का हमारा उपविषय है संकेत यंत्र भाग 2। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रदर्शित प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो ये इसका उत्तर है राजा हरिश्चंद्र। ये भारत में दर्शाए जाने वाली पहली मूक फिल्म यानी म्यूट फिल्म थी, इसमें कोई आवाज़ नहीं थी। प्रश्न नंबर 2, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। प्रश्न नंबर 3, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 में। अगला करते हैं प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें हमें करना है पहली बोलती फिल्म, तो पहली बोलती फिल्म थी आलमारा, तो हम यहाँ पे करेंगे आलमारा, तो ये इसका उत्तर है। दूसरा है पहली मूक फिल्म सन 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित की गई थी, तो इसका उत्तर है 1913। इसी तरह अगला है 28 दिसंबर 1895 में विश्व की पहली फिल्म लूमियर भाइयों द्वारा दिखाई गई, तो ये दिखाई गई थी पेरिस में, तो इसका उत्तर है पेरिस। अगला है इंटरनेट आपस में जुड़े डैश को जोड़ता है, तो ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्क या टेलीविजन, तो इसका उत्तर है कंप्यूटर नेटवर्क। अगला है 23 जुलाई 1927 में भारत में रेडियो का पहला प्रसारण दिल्ली से हुआ या मुंबई से? तो इसका उत्तर है मुंबई, तो हम यहाँ लिखेंगे मुंबई। अगला देखते हैं, अब हमें करने हैं मिलान। तो पहला है बीबीसी, तो बीबीसी की फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, तो हम इसको मैच करेंगे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से। इसी तरह अगला है AIR, AIR होता है ऑल इंडिया रेडियो, तो इसको हम मैच करेंगे ऑल इंडिया रेडियो से। अगला है इंटरनेट की शुरुआत, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो इसको मिलाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। उससे अगला है आलमारा के निर्माता, तो आलमारा के निर्माता थे आरदेशिर ईरानी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ पूरा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 6, यदि संसार की सभी इंटरनेट संबंधी सेवाएं अचानक बंद हो जाए तो हमारे दैनिक जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई दो प्रभाव लिखो। तो जैसे हम इसमें उत्तर लिख सकते हैं बैंकिंग सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा और रेलवे व हवाई सेवाएं भी प्रभावित होंगी, क्योंकि इन सभी सेवाओं का संबंध सीधे सीधे इंटरनेट से है, तो इंटरनेट बंद हुआ तो इन पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 7, अपने बड़ों से चर्चा कीजिए कि उनके समय में मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे, कि नहीं दो साधन के नाम लिखिए। तो आपको अपने मम्मी पापा या दादा दादी से इस बारे में बात करनी है कि उनके समय में मनोरंजन के लिए कौन से साधन थे। तो जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं बायोस्कोप और कठपुतली। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।